हेलो वर्ल्ड, स्वागत है आपका एक और GTA 4 के गेम प्ले वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का एक ऐप बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप GTA 4 को मोबाइल पे खेल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इट इज 2023 और आप GTA 4 जैसे गेम को भी फोन पे खेल सकते हो। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी GTA 5 के ऊपर जिसको आप मोबाइल में प्ले कर सकते हो यूजिंग क्लाउड गेमिंग। और क्लाउड गेमिंग क्या है, एक ऐप आता है शिकी या फिर चिकी नाम है उसका, और उस ऐप को यूज करके आप कंप्यूटर के गेम्स को मोबाइल पे खेल सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको वही बताया GTA 4 के साथ। सो इस वीडियो को एंड तक देखो। और इस ऐप में अगर आपको लैग फेस हो रहा है, उस लैग को कैसे फिक्स करें, तो उसका भी सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सो वीडियो को एंड तक देखो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर खोलना है और वहाँ पे आपको चिकी सर्च करना है। चिकी या शिकी कुछ भी प्रोनाउंस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये ऐप क्या है, ये पहले प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, ये आपको गूगल पे जाके डाउनलोड करना पड़ता था। सो अगर आपको ये ऐप प्ले स्टोर में मिल नहीं रहा है तो आपको क्या करता हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, वो लिंक दबा के आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को। बट ओवरऑल सेम चीज़ है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर गूगल से डाउनलोड करो। सो यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा और इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको ऑफकोर्स परमिशंस देनी पड़ेंगी क्योंकि अगर आप दोगे नहीं तो ऐप चलेगा नहीं। परमिशंस देने के बाद वो आपको तीन ऑप्शंस देता है, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल और अकाउंट लॉग इन। आपको क्या करना है, लॉग इन विद गूगल कर लेना। अच्छा गूगल क्यों, वो इजी है, गूगल कर लो या फिर फेसबुक करना तो फेसबुक भी कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे गूगल से लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना अगर पूछता है तो, और आपका गेम सीधा चालू हो जाएगा, आपका ऐप जो है वो खुल जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऐप खुलते ही आपको नीचे मी वाला सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ कॉइन्स है। अच्छा ये यहाँ पे 58 कॉइन्स दिखा रहा है मेरे को, लेकिन आपको जीरो कॉइन्स दिखाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉइन्स अर्न करके रखे हैं क्योंकि मैं पहले से गेम खेल रहा हूँ, पहले से ऐप इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं ऐप में और उन कॉइन्स को कलेक्ट करके आप आगे जाके गेम खेल सकते हो। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे टास्क वाला सेक्शन है, सो उस पर आपको क्लिक करना है और आपको वहाँ पे बहुत सारे टास्क दिखेंगे। सो ये टास्क आपको वन बाय वन कंप्लीट करना है। देखो सबसे अच्छा टास्क है एड्स देखना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एड देखनी पड़ेगी। डेली आप 5-6-7 एड्स देख सकते हो और हर एक एड आपको 5-10 कॉइन्स दे देगी। सो ऐसा आप दिन में 30-40 कॉइन्स आराम से कमा सकते हो। कॉइन्स कमाने के बाद आपको क्या करना है, आपको गेम खेलना है। पहले मैं आपको थोड़े से टास्क दिखा देता हूँ कि क्या टास्क होते हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सिंपल टास्क होते हैं गाइस, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने वाले एक दिन में। सो बस आपको इजीली टास्क करने हैं, हर रोज़ करने हैं ये, क्योंकि कॉइन्स जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नए नए टास्क रिफ्रेश होते रहते हैं आफ्टर एवरी 24 आवर्स। सो यहाँ पे आपको हर रोज़ आना है, कॉइन्स कलेक्ट करना है और आगे जाके गेम खेलना है। यहाँ पे वीकली, डेली और नो वॉइस, ऐसे तीन टाइप्स के टास्क है। सबसे ईजी वाला है ऐड देखना। सो यहाँ पे आपको 5-10 जहाँ पे लिखा है उधर क्लिक करना है और एक ऐड जल्दी से ओपन हो जाएगा। अच्छा इस ऐड को आपको पूरा देखना है, क्यों, क्योंकि ये ऐड देखने से आपको कॉइन्स मिलने वाले हैं और कॉइन्स को यूज़ करके आप गेम खेल सकते हो। इस ऐड को आपको पूरा देखना है और अब यहाँ पे देखो 5-10 कॉइन्स मिल गए मेरे को। सो सही है, अभी 64 दिखा रहा है, यानी कि 6 कॉइन्स मिल गए मुझे एक ऐड देखने से। अच्छा इस ऐप ने इस बार एक बहुत बढ़िया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि है एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो और वहाँ से भी आप कॉइन्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत मिनी गेम्स दिखेंगे, एक छोटे छोटे टास्क दिखेंगे, जैसे कि आपको ऐड देखना है और आपको कुछ चीज़ मिलेगी उससे आपको कंप्लीट करना है पैटर्न और कुछ, तो ऐसा गेम है आप डिस्कवर कर लो खुद। वहाँ पे आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने और ऐप आपको कॉइन्स दे देगा। तो यहाँ से भी आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से। यहाँ पे अभी मेरे पास ऑलरेडी कॉइन्स है तो मैं एक कर नहीं रहा, लेकिन आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे अगर आप बैक जाते हो और यहाँ पे आपको एक लकी ड्रॉ भी मिलता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 कॉइन्स देने हैं और आपको एक लकी ड्रॉ घुमाना है। अच्छा घुमाने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि 500 कॉइन्स। अच्छा 500 कॉइन्स अगर मेरे को मिल गए तो भाई मैं इस टॉपिक पे 10 वीडियोस बना दूँ। चलो घुमा के देखते हैं क्या मिलता है, देखते हैं। अभी मेरे को लगे 30 कॉइन्स और उससे देखता हूँ मैं अभी मेरे को मिलता क्या है। ओ भाई 30 कॉइन्स मिल गए वापस से, मतलब 30 कॉइन्स दिए और 30 कॉइन्स मिल गए। चलो वापस से घुमा के देखता हूँ अभी क्या लगता है, 500 कॉइन्स लगने चाहिए भाई कुछ भी करके, देखते क्या लगता है अभी। अरे यार ये स्टार वाली चीज़ लग गई, अभी ये क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मत करो क्योंकि यहाँ पे आपके 30 कॉइन्स भी चले जाएंगे और कोई बेकार सी चीज़ लग गई तो आपके वही कोई काम भी नहीं आने वाली और आपके कॉइन्स भी वेस्ट हो जाएंगे। सो कोई मतलब नहीं है वो करके। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप GTA 4 को कैसे खेल सकते हो। सो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आपको सर्च करना है कि GTA 4 या फिर आपको रिकमेंडेशन में ऑलरेडी वो आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप आ गए तो आपको प्ले का ऑप्शन दिखेगा, प्ले पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो बोल रहा है 3 कॉइन्स फॉर 1 मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट इस गेम को खेलने के लिए 3 कॉइन्स की जरूरत है। सो अभी आपको क्या करना है, प्ले पे क्लिक करना है और आपको एक ऐड दिखाया जाएगा। अच्छा इस ऐड को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये ऐड आपको अभी कॉइन्स नहीं देने वाली। सो अभी आपको यहाँ पे एक क्यू में डाल दिया है। सो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक नंबर लिखा है 108। सो 108 क्या है, 108 गेमर्स बैठे इस ऐप को खोल के ये GTA 4 गेम खेलने के लिए। सो यहाँ पे आपको 107 लोगों के पीछे आप खड़े हो लाइन में।
इस तरह इसको समझ सकते हो। अभी यहाँ पे टाइमर दिया गया है 25 मिनट, लेकिन एक्चुअली 25 मिनट लगते नहीं है, इससे कम या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 मिनट दिया है, लेकिन इस गेम को चालू होने में शायद आधा घंटा एक घंटा लग जाए। सो आपको पेशेंटली इस क्यू में रुकना है। अच्छा, इस क्यू को अगर आपको स्किप करना है तो इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको मैं शॉर्ट में भी आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रात को इस गेम को खेलना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप दिन में खेलते हो, बहुत सारे लोग ऐप को खोल के बैठे हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होगा कि बहुत 100-200 लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन अगर आप रात को जाते हो, प्ले पे क्लिक करते ही आपका गेम चालू हो जाएगा, रात इन द सेंस 11, 12 या फिर 1 के बाद। सो वहाँ पे अगर आप जाते हो इस गेम को खेलने के लिए, आपका नंबर डायरेक्टली लग जाएगा और उस पर उस वक्त गेम लैग भी नहीं करने वाला। जैसे कि अभी मैं खेलूंगा, थोड़ा सा गेम लैग करेगा अभी, बिकॉज ये पीक टाइम है, इस वक्त बहुत सारे लोग गेम खेलने के लिए आए हैं। सो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा लैग यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर आप इस गेम को रात को खेलोगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा सा स्पीड मिलने वाला है। और लाइट्स, अभी आधे घंटे रुकने के बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है मेरा टर्न ऑलमोस्ट आने वाला है। 4 लोग खड़े हैं मेरे आगे और अभी आपको 30 सेकंड मिलते हैं बस गेम एंटर करने के लिए। सो आपको स्क्रीन पे इस तरह का एक मैसेज दिखेगा, आपको 30 सेकंड्स के अंदर एंटर पे क्लिक करना है। और अगर आपने एंटर पे क्लिक नहीं किया तो आपका टर्न चला जाएगा और आपको आप इससे क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। सो वो बिल्कुल बेकार चीज़ हो जाती है गाइस, अगर आप पूरे क्यू में रुके हो और फाइनली आपका टर्न मिस हो जाए। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है, उस पर ध्यान रखो कि आपका नंबर कभी आ रहा है और फटाक से एंटर पे क्लिक करो और आपका गेम चालू हो जाएगा। यहाँ पे रॉकस्टार का लोगो आ चुका है, यहाँ पे आपको प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेविगेशन करने के लिए आपको एरो कीज दिए गए हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको एंटर करना है तो ए वाला बटन दबा दो। अभी GTA 4 चालू हो चुका है, आपको दिख रहा होगा उसका लोडिंग स्क्रीन आ चुका है और यहाँ पे स्टार्टिंग का गेम वाला दिखा रहा है और ये फर्स्ट वाला सिनेमैटिक सीन कुछ तो चालू हो गया है और ये गाड़ी आ गई हमारे पास। इस गाड़ी के साथ मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, गाड़ी के कंट्रोल्स दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आप RT पे क्लिक करोगे तो आप आगे जा सकते हो, LT पे क्लिक करोगे तो पीछे जा सकते हो। ये हो गए गाड़ी के कंट्रोल्स। अभी इंसान को कैसे कंट्रोल करें, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक जॉयस्टिक दी गई है लेफ्ट में, उससे आप आगे पीछे कर सकते हो इस प्लेयर को। और अगर आपको फाइट करना है तो RT बटन पे क्लिक कर सकते हो और अगर आपको स्प्रिंट करना है तो 1 पे होल्ड कर सकते हो जॉयस्टिक पकड़ के। सो ये हो गए इस गेम के कंट्रोल्स। अभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ। गाड़ी में बैठने के लिए आपको Y पे क्लिक करना है, वो एंटर बटन हो गया और अभी आप गेम प्ले का भी एंजॉय कर सकते हो। ओके, सो देखा आप लोगों ने कि कितने आसानी से हमने GTA 4 को अपने फ़ोन पे खेल लिया। अगर आपके मोबाइल में भी GTA 4 चल जाता है तो नीचे आपका कमेंट छोड़ के जाओ, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बट गाइज, इट्स 2023 और आप GTA 4 या फिर कोई भी PC के गेम को मोबाइल पे खेल सकते हो थ्रू क्लाउड गेमिंग। सो अगर आपके फ़ोन में भी GTA 4 चल जाए, वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओ विद नोटिफिकेशन टर्न ऑन फॉर मोर सच वीडियोज फ्रॉम दिस साइड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।